तर ती एक लीगल प्रोसेस आहे. आलेले जे ऑब्जेक्शन आहेत त्याला उत्तर द्यायला लागतं आणि नोटिफिकेशन कायम करायला लागतं. ही जर लोकल प्रोसिजर फॉलो नाही केली तर आमचं नोटिफिकेशन रद्द होणार एवढं तरी त्यांनी कुठल्या तरी कायद्या तज्ञांकडून समजून घ्यावं एवढी आमची त्यांना नम्र विनंती आहे. देखिए मैंने जो बोला है उसको चैलेंज दिया है तो मैंने बोला है कि पैसे मांगेगी ये हकीकत है. मैं पैसे नहीं दे सका इसलिए मैं ये मंत्री नहीं बनाया गया. हालांकि जो मंत्रियों का परीक्षण था उसमें मैं एक नंबर पे राज्य मंत्री था. मुझे मोदी साहब ने खुद बीजेपी में बुलाया था तो मैं कब का कैबिनेट मंत्री बन जाता तो मैंने कभी इसके बारे में बुरा नहीं सोचा. लेकिन आप पैसा मांगेंगे मंत्री पद के लिए या तो पार्टी के लिए तो इलेक्शन के लिए आपको डोनेशन जरूर देना है. लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद आप रुक सकते हैं. हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसे देते हैं. हम तो किसी से पैसे लेते नहीं है. तो ऐसे जो आपके विचार है उसको बाजू में रखिए. दूसरे को खोखा खोखा मत बोलिए. खोखा मांगने वाले आप खुद है. ये मैं खुले आम बोलता हूँ और ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ. जरांगेंनी कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे असं केसरकरांनी म्हटलंय. पैसे न दिल्यामुळे मंत्रीपद दिलं नाही असं केसरकर म्हणतायत आणि केसरकरांची ही प्रतिक्रिया आपण पाहतोय जरांगेंच्या बाबतीत.